सो हे गाइज, वेलकम विथ एन वीडियो। तो गाइज, इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एक कुरियर ऑर्डर किया था टॉम्बो मोनो जीरो रिजर्व। आपको सबको पता ही होगा टॉम्बो मोनो जीरो रिजर्व काफ़ी फेमस है, तो इस साइड एड्रेस है तो मैं वो नहीं बताऊँगा। और इस साइड देखते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से पैकेजिंग की है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो गाइज, ये रहा हमारा टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर। काफ़ी दिन से गाइज हम वेट कर रहे थे इसका आने का, लेकिन गाइज फाइनली अब ये आ चुका है मेरे पास। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। और यहाँ पे जहाँ से आया है ये प्रोडक्ट, उसका लिखा है एड्रेस जापान से आया है। अमेज़ॉन पे सारी चीज़ें मिलती है गाइज, एंड इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आपको भी बाय करना है। एंड मैंने साथ में दो रिफिल्स भी ली थी। तो गाइस, मैंने जितना सोचा था उससे तो ये काफ़ी पतला निकला। मैंने सोचा था थोड़ा बहुत मोटा आएगा और अच्छे से हम फिनिशिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफ़ी अच्छे से पैकेजिंग है। इसमें दो रिफिल्स दी हुई है, एंड ये ऐसा कुछ पैक है, इसको आप ऐसे निकाल सकते हो इरेजर को। काफ़ी अच्छे से गाइस पैकेजिंग की गई है इस टॉम्बो मोनो इरेजर की। तो आप देख सकते हो गाइस, छोटा सा है इरेजर, कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। एंड छोटी सी इसकी निप है, इससे आप काफ़ी अच्छे से हाइलाइट्स कर पाओगे गाइस। टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर है गाइस ये, एंड इसके साथ आपको दो रिफिल्स मिलती है, मैं आपको बता देता हूँ वो भी। और गाइस, अगर आपको ये भी अकेले में भी बाय करनी है ये जो है इसकी रिफ़िल्स, तो भी उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो चेकआउट कर लेना। तो गाइस, इसके कुछ ऐसी दो रिफ़िल्स मिलती है, काफ़ी पतली है, जिससे मैंने सोचा था वैसी नहीं है, मोटी काफ़ी पतली है, अच्छे से हम हाईलाइट्स कर पाएंगे इससे। और अकेली भी मिलता है ये टॉम्बो मोनो जीरो रिजर्व, और अगर जिसको पैक में लेना हो पैक में मिलता है। आप देख सकते हो गाइस, काफ़ी अच्छा ये टॉम्बो मोनो जीरो रिजर्व है। इसकी रिफ़िल एक ऑलरेडी इंसर्टेड आती है, ऊपर थोड़ी बहुत ब्रांडिंग की है। कितना जो सर्कल है गाइस, वो 2.3 मिलीमीटर जितना है, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है गाइस ये रेज़र। क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी। तो अभी थोड़ी देर में गाइस हम जो है बुक पे भी टेस्ट करके देखेंगे इसकी हाइलाइट्स कैसी होती है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मैं नॉर्मली जो है प्रिंटिंग पेजेस ले रहा हूँ, प्रिंटिंग पेजेस पे हमें अच्छे से पता चलेगा कैसे होता है ये। तो पहले मैं ट्राई करूँगा मैकेनिकल 4B पेंसिल से। नॉर्मली मैं इरेजर का यूज़ करता हूँ। आप देख सकते हैं गाइस, मुझे कितनी अच्छे से हाइलाइट्स, पतली पतली हाइलाइट्स मिल रही है। और अगर मैं इसको ज़्यादा 6B लेयर से करके ब्लेंड करके देखूँ तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस। देखिए, मैंने यहाँ पे 6B बिल्कुल अच्छे से डार्कनेस ला दी है। अब टिश्यू से गाइस इसको थोड़ा बहुत ब्लेंड कर लेते हैं। मैंने ब्लेंड कर लिया गाइस, देखिए अब मैं करता हूँ। आप देख सकते हो गाइस, कितनी अच्छे से मैं हाइलाइट्स ऑप्ट कर पा रहा हूँ। हैचिंग मेथड भी इस पर पॉसिबल है गाइस। तो ये है हमारा नया टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर। अब बात करते हैं जो ये टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर है, ये वर्थ इट है या नहीं, यानी कि ये आपको बाय करना चाहिए या नहीं। तो आई थिंक दैट गाइज, आपको ज़रूर बाय करना चाहिए एक बार, क्योंकि आप देख सकते हो कितनी अच्छे से हमको हाईलाइट्स मिल रही है। हमें जब भी हेयर्स बनाने होंगे, कोई भी हाईलाइट्स देनी होगी, तब हम अच्छे से दे पाएंगे गाइस, क्योंकि काफ़ी स्मॉल है। मैंने सोचा था कि होगी मैकेनिकल पेंसिल जितना या इतनी जो है ये इतना बड़ा होगा, लेकिन काफ़ी छोटा है, कॉम्पैक्ट है, अच्छा सा हम इरेज भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इस टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर की, और काफ़ी मतलब। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस डू इम्प्रूव, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।